नारियल तेल में बस एक चीज़ मिलाकर लगा लीजिए, बालों की ग्रोथ एक हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप बाल आपके समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ठंड का मौसम है तो इस समय डैंड्रफ की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बाल पतले हैं, दो मुंह हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप एक बार ये नारियल तेल में ये चीज़ को मिलाकर लगाइए। यकीन मानिए, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है नारियल तेल और विटामिन ए की कैप्सूल। जी, विटामिन ए की कैप्सूल बालों में लगाने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। ये बालों को पोषण देता है, मजबूती प्रदान करता है, स्कैल्प की सेहत में सुधार करता है, बालों को लंबा करता है, स्वस्थ करता है, चमकदार बनाता है। विटामिन ई बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देता है, स्कैल्प ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति हो पाती है, मजबूत होते हैं बाल और इससे बाल झड़ना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो यहाँ पे नारियल तेल लिया, तो ठंड का मौसम है इसलिए नारियल तेल जम जाता है, उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद में लीजिए विटामिन ए की कैप्सूल। तो विटामिन ए की कैप्सूल यहाँ पर तीन लेंगे, अपने बालों की लेंथ के अनुसार आप तेल लीजिए, उसमें तीन विटामिन ए की कैप्सूल ले लीजिए। नारियल तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल तत्व बालों को डैंड्रफ को दूर करते हैं। नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड बालों में आसानी से समा जाता है, जो बालों को पोषण देता है। नारियल तेल स्कैल्प की ड्राइनेस को कम करता है, उसमें नमी प्रदान करता है। नारियल तेल बालों पर लगाने से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नारियल तेल बालों को झड़ना रोकता है, इसलिए नारियल तेल भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप नारियल तेल में विटामिन ए की कैप्सूल मिलाकर लगाते हैं बालों के, तो इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बालों की सारी समस्याएं दूर होगी। एक बार आप ये तेल आप लगा के देखिए, आपको खुद फ़र्क नज़र आने लगेगा। आप इसको हफ्ते में 2 दिन यूज़ लेना है। तो इसको लगाने का सही तरीका है कि आप रात के वक्त तेल को गुनगुना कर लीजिए, उसमें 3 कैप्सूल मिलाइए विटामिन ई की, और उसके बाद में रुई लीजिए, उसको डिप करके अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से मालिश कीजिए। जब पूरा तेल बालों की जड़ों में लग जाए अच्छे से, उसके बाद में पूरे बालों पर लगा लेना है। अच्छे से सारे बालों पर लगाने के बाद में धीरे धीरे हाथों से इससे मसाज कर लेनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करिए, वरना बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। कई लोगों की आदत होती है कि जब तेल लगाते हैं तो बहुत तेज़ से मसाज देते हैं सर की, तो इससे बाल उलझ के और बहुत ही ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये बाल तेल लगाने से बाल झड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा बालों पर जब भी तेल लगाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी देर के लिए मालिश ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ें मिलके आपके बालों का बिल्कुल झड़ना बंद कर देंगे, बालों को काला करने में मदद मिलेगी, बालों को पोषण मिलेगा, बाल डैमेज हो रखे हैं तो उनको कम करेंगे, बालों को हाइड्रेशन मिलता है, बाल मुलायम शाइनी बनेंगे। तो इसको लगाने के बाद में आपको इसको पूरी रात अपने सर पे रखना है और सुबह मॉर्निंग में बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो हमारी ये रेमेडी आपको कैसी लगी, करके देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।